तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल ते की हाल चाल दोस्तों। सबसे पहले नए साल की आप सभी को यार बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का ये नया साल बहुत अच्छा गया होगा। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्विट्जरलैंड वाले घर में। अच्छा, बाय द वे नए साल पे मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी, गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैं आपसे सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग हर हफ्ते, मतलब एवरी संडे, एक लाइव स्ट्रीम कर दिया करें हाउस फ्लिपर की। तो अब आप लोगों के सामने मैं एकदम डेकोरेट किया करूंगा, रेनोवेट किया करूंगा घर। आप लोग मुझे लाइव जो भी आपकी क्वेश्चन या भी आप मुझे सजेशन देना चाहो, सजेशन वहीं पर दे सकते हो। तो ये आइडिया आपको मेरा कैसा लगा? और हर संडे एक लाइव स्ट्रीम, मतलब महीने में, एक महीने में चार लाइव स्ट्रीम हम करेंगे। बट आप लोग मुझे कॉमेंट करके इसी वीडियो पर ये बता दो कि मैं लाइव कौन से टाइम पे आऊँ, मतलब आपका सबसे सूटेबल टाइम कौन सा है। मैं एक घंटे की या दो घंटे की लाइव स्ट्रीम किया करूंगा हाउस फ्लिपर की, तो आप लोग मुझे बता दो, तो उसी अकॉर्डिंग फिर मैं लाइव स्ट्रीम का टाइम आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ। वहां पर स्टोरी भी लगा दूंगा स्वाइप अप के मैं लाइव आ चुका हूँ। तो जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जाओ फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो जाओ फटाफट सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, और कमेंट करके ये मत बताना भूलना कि भाई क्या टाइम पे लाइव आऊँ मैं, ठीक है? जो ज्यादातर मेजोरिटी कॉमेंट्स रहेंगे मैं उसी टाइम पे लाइव आऊंगा। ओके, तो अभी हम आए अपने स्विट्जरलैंड वाले घर में और हमारे सामने खड़ा है हमारा प्यारा प्यारा चीकू। चीकू हैप्पी न्यू ईयर भाई, बता तेरे को क्या गिफ्ट चाहिए नए साल पे? वैसे वो बर्थडे पे देते हैं पर मैं तुम्हें न्यू ईयर पे दे दूंगा। चल थोड़ा सा चीकू के साथ पहले खेल लेते हैं, तो चीकू को हम एक ट्रीट दे देते हैं सबसे पहले। तो ले चीकू, खा ले भाई। ओके चलो गाइस, जो चीकू का हो गया, चीकू यार आग के अंदर क्यों घुसे चला जा रहा, भाग गया, चलो उस तरफ गया चीकू, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस, मैंने यार जब मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट्स चेक किए तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो यार। मैं इस वीडियो में, मतलब जब मैंने लिटिल ब्रिक हाउस में मैं चलता भी हूँ, थोड़ा अपन घर के अंदर भी प्रवेश कर लेते हैं। हमने जो घर रेनोवेट कर रहे थे तो हमारा ओन घर में था ये वाला लिटिल ब्रिक हाउस, यस। तो चलते हैं घर में, तो भाई मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे कि मैं इस घर में जो बेडरूम था उसके अंदर जो ड्रॉअर लगाए थे मैंने उल्टे लगा दिए थे। ये देखो आप लोग चारों कमेंट्स इन्होंने मुझे बताया भाई। और एक और मुझे क्या चीज लगी, एक डिटेल जो आप लोगों ने पकड़ी कि भाई मुझे जो चीकू है वो इसी घर के अंदर मिला था जब मैं एक जॉब करने आया था, मैं खुद भूल चुका था ये चीज यार। ये दो कमेंट्स वो हैं जो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपने चीकू आपको इसी घर के अंदर मिला था। उसके अलावा भाई आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो मेरे रेनोवेशन को, मेरी हाउस फ्लिपर की वीडियोस को। ये दोनों कमेंट्स आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे कमेंट्स हैं। इनको मेरा कलर पसंद आया जो मैंने बेडरूम में किया। इन्होंने बताया कि इस घर में, मतलब उनको डेकोरेशन अच्छी लगी, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल्सो। एंड आपने ये भी बताया कि इस घर में मुझे स्विमिंग पूल और वो सब करना चाहिए, वो भी मैं करूँगा डेफिनेटली। उसके अलावा मैं ज़रा गलत आ चुका हूँ, मुझे अब वापस जाना पड़ेगा क्योंकि एक कमेंट आया भाई, वो कमेंट मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ मैं, बट रिएक्ट भी कर देता हूँ मगर उस पर मैं अमल करना भूल जाता था। तो चलते हैं एक बार स्विट्जरलैंड वाले घर में। ये रहा वो कमेंट, इन्होंने भाई पता नहीं मतलब कितनी बार ये बोल दिया कि मैं वो जो स्टडी टेबल है उसको उल्टा लगा चुका हूँ, तो इसलिए मैं स्पेशल वापस आया हूँ। मेरे को पहले ये टेबल सीधा करना है, ये ऐसा कौन सा टेबल है जो मैं गलत लगा के भूल चुका हूँ। तो मैं आ चुका हूँ, मुझे जाने दो जल्दी से। ओके ये बंद कर दूँ अंदर, नहीं तो चीकू है, चीकू को ठंड लग जाएगी, चीकू खाना खाने भी आएगा। चलो ठीक है, मैंने स्टडी टेबल कहाँ पर लगाया, मेरे को ढूंढ रहे दो यार, मेरे को वो स्टडी टेबल सीधा करना है, उस स्टडी टेबल ने मेरी जान खा रखी है यार। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे उस घर में और फिर हम उसके जो ड्रॉवर लगाए हैं उल्टे उनको भी सही करेंगे। यार मैंने कहा, ये रहा क्या? ओके ये मेरे को देखने दो जरा यार। अब मैंने, मेरे को तो ये सीधा लग रहा है, ये उल्टा तो मुझे नहीं लग रहा है यार, यही स्टडी टेबल आई थिंक। एक मिनट मैं जरा ऊपर जाकर देख के आता हूँ, मे बी ऊपर तो मैंने कोई स्टडी टेबल लगाया है शायद बेडरूम में, लेट मी चेक। यार ये भी सीधा है, एक मिनट हाँ ड्रॉअर इसके लगे हुए हैं, ये भी सीधा है। ओके तो मेरे ख्याल से वो नीचे वाला टेबल की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि हमने इसके बुक्स के बाजू में लगाया था। एक मिनट कहाँ गया वो भाई, मैं अपने घर में खो जाता हूँ। हेलो, हाँ ये रहा, तो ये भी तो सीधा है यार। एक सेकेंड मैं इसको ज़रा घुमा के चेक कर लेता हूँ। राइट, तो दोनों तरफ से सेम है भाई, ये उल्टा कैसे था, उल्टा तो नहीं था ये। चलो अगर था भी तो मैंने सीधा कर दिया है, लेट्स सी। अभी हम चलते हैं वापस अपने घर में। चीकू मैं जरा, अरे यार चीकू के लिए तो हमने एक पेट पाय करना था, मैंने लास्ट टाइम पूछा था आप लोगों से, तो मेरा मन ये हुआ कि दो कुत्ते लेंगे तो आपस में लड़ लड़ के पागल हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पर मॉर्गन पेट शॉप पे।
और यहाँ पर मैं सोच रहा था क्यों ना एक प्यारी सी बिल्ली बाय कर लें। यार मैं सोच रहा हूँ, एक मिनट अस्मि, अपने पास ऑप्शंस हैं और भी, कौन सी कैट लेनी है वो देख लेते हैं। हमारे चीकू के साथ अगर मैचिंग कैट कैट रही है तो हमारे नॉर्मल जो स्ट्री कैट होती है वो है। ऑल राइट, ये थोड़ी यंग बिल्ली, ओ भाई ये भी अच्छी है, क्यूट लग रही है, थोड़ा और देखते हैं। ओ माई गॉड, ये बिल्ली बहुत प्यारी लग रही है यार। इसके अलावा और भी चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, तो मेरे को जो बिल्ली बढ़िया लगी वो थी ये वाली, तो हम ये कैट बाय कर लेते हैं, ये काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके लिए अपने को शायद पेट होटल जाना पड़ेगा। ओके, पेट एट होम, ओके ये पेट, ओके नो, मुझे कैसे लेना पड़ेगा ये पेट, मुझे बाय करना है तो कैसे करना था, मैं भूल चुका हूँ। टेक केयर पे क्लिक करते हैं, उसके इसका नाम रखना पड़ेगा। तो गाइज आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो मेरी नीचे जाके अगर पोस्ट चेक करोगे तो मेरे पास एक कैट थी, अभी नहीं है, वो मेरे फ्रेंड के पास है। उस कैट का नाम था क्या है, उसका नाम है मिष्टी, मेरे को मिष्टी एकदम से याद आ गई। हमारी कैट का नाम था मिष्टी नाम है, तो मैंने वो कैट को परचेज कर लिया और ये कितनी प्यारी कैट लग रही है यार, वाह मजा आ गया। ओके, बट ये दोनों आपस में बस लड़ाई ना करें, मेरे को यही है। और ये कितनी प्यारी लग रही है यार, मिष्टी और चीकू, अब इन दोनों की बस आपस में बननी चाहिए। और मेरे को याद देखना पड़ेगा कि कैट फूड और फू ओके, वैसे दोनों लड़ नहीं रहे हैं, चीकू थोड़ा नाराज ना हो जाए कि भाई नहीं पेट बाय कर लिया है तो ये फॉलो मी का ऑप्शन है। ओके, प्ले विद माउस का एक ऑप्शन है गाइस, शायद ये बिल्ली इसके साथ खेल रही है। ओ भाई, ओह शिट, बट इसके साथ चीकू नहीं खेल रहा, चीकू थोड़ा सा भाई अलग अलग सा बिहेव तो कर रहा है मेरे को लग रहा है। ओके, चीकू चला गया अपने बेड पे सोने, वाह गाइस सही है। ओके, ये तो इसके साथ खेल रही है, अपने को गाइस देखना पड़ेगा ये दोनों का फूड अलग है या फिर सेम है, वो हम बाद में फिगर आउट करते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे लिटिल ब्रेक हाउस में और वहाँ पर जो हमें चेंजेस बताए गए हैं वो करते हैं, और इसके साथ ही हम थोड़ा रेनोवेट करते हैं घर को, और जितना भी घर बचा हुआ है आई ट्राई करते हैं हम लोग जितना मैक्सिमम हो चुके इस वाले पार्ट में हम लोग कर लें कंप्लीट। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं लिटिल ब्रिक हाउस, इस घर का नाम है वैसे लिटिल ब्रिक हाउस। तो नाम, मैं पहले तो ये सोच रहा था कि हम लोग अगर इस घर की जो बाहर की जो बाउंड्री, नहीं बाउंड्री नहीं, जो बाहर की वॉल्स हैं इनको मैं वाइट कर दूं, बट अभी मुझे जैसे मैंने देखा कि इस घर का नाम तो लिटिल ब्रिक हाउस है, तो यार हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आई थिंक। तो इसका अगर तो हम करेंगे कुछ चेंज तो फिर ब्रिक के रिलेटेड ही कुछ करेंगे टेक्सचर, और पूरा पेंट नहीं करेंगे, कुछ भी टाइल्स वगैरह लगाएंगे। ठीक है, घर के अंदर मैं आ चुका हूँ, बाहर की तरफ मुझे चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पर एक बटरफ्लाई भी उड़ रही है। ठीक है, और मेरे को इस घर के दरवाजे भी चेंज करने पड़ेंगे बाय द वे। और ये बाथरूम था हमारा, बाथरूम हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में कर ही दिया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर कारपेट लगी हुई है हमारी, कालीन। ऑल राइट, तो किचन के लिए भी कमेंट्स आए थे ऑब्वियसली कि हमने इसमें कुछ भी जो भी इंडक्शन वगैरह होता है, गैस स्टोव कुछ भी नहीं लगाया था, वो हमने को लगाना पड़ेगा इस घर में। और स्टोव, और यहाँ पर हमें बोला था कि भाई एक खाना खाने के लिए भी कुछ लगा दो, तो उसका प्लान मेरे दिमाग में ये था कि ये वाला एरिया हमारे पास खाली है, तो हम क्यों ना यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया बना दें, यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल लगा के, है ना, यहाँ पर टीवी आ सकता है सामने वाली वॉल पे, यहाँ पर आ सकता है हमारा एक डाइनिंग टेबल बन जाएगा यहाँ पर। वैसे तो जगह यहाँ पर भी खाली है, बट मैं ये जगह को नहीं यूज़ करना चाहता क्योंकि यहाँ से इधर जाने की भी जगह है ये वाले रूम में, है ना, और यहाँ पर फिर एक ये छोटा सा ये एक गेम्स रूम है, तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि अपने को कुछ करना चाहिए। और यहाँ पर एक गीज़र लगा हुआ है और ये मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ ये कैसे है, मतलब यहाँ से एक दरवाज़ा इस तरफ आता है, और मैं सोच रहा हूँ कि वैसे अंदर से एक दरवाज़ा होना चाहिए, लेट मी चेक। हम अगर किचन को इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं करना चाहिए वैसे, या फिर हम लोग ये दोनों दीवार को तोड़ के इस कमरे को पूरा एक कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दरवाजे हो चुके हैं, और इसको हम लोग काइंड ऑफ एक स्टोर बना सकते हैं। तो पीछे वाले कमरे को स्टोर बना के वो गेम को हम लोग इस तरफ लेकर आ सकते हैं, और मेरे ख्याल से वही चीज़ करनी चाहिए अपने को, क्योंकि ना इसको हम लोग एक स्टोर रूम बना सकते हैं पीछे वाले रूम को, और यहाँ पर ये जैसे सामान है जो भी रखने का इस तरफ कर देंगे। और हम मैं इसको एक चीज़ ट्राई कर सकता हूँ कि इसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे इसको चाहिए था गराज के साथ कनेक्ट कर देता इधर से कहीं पर, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम कर लेंगे उसके बाद। और हमने बस क्या क्या है यहाँ पर, एक ये रूम था, ओके इसको हमें स्टडी रूम बनाना था, और ये एक बाथरूम है जिसको कि हमें करना है रेनोवेट अभी। ऑल राइट, तो यहाँ पर नीचे वाला हो जाएगा, ये बेडरूम हमने, ये कौन सा रूम है यार, बेडरूम कहाँ गया फिर, एक मिनट। ओके, बेडरूम ये रहा। ऑल राइट, ओ यस, ये रहा हमारा बेडरूम, बेडरूम के ड्रॉअर मुझे चेंज करने जो कि मैंने उल्टे लगा दिए थे। ओके, दोनों के दोनों उल्टे लगा दिए भाई मैंने, अच्छा एक ही उल्टा लगाया था, एक तो सही लगाया, ठीक है। ओके, वेल डन, ठीक है, ये हो चुका है, बहुत सही।
मैं बेडरूम को बंद कर देता हूँ, ये दोनों हो चुके हैं और हमारा साथ में किचन हो चुका है। अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसके साथ हमारा कनेक्टेड एरिया यही आता है। उस तरह उसके बाद हम लोग एक ये रूम करेंगे और उस पर उस साइड वाला करेंगे। मुझे ज़रा ऊपर का देख के आने दो, मैं भूल चुका हूँ ऊपर क्या था। ओके यस, ऊपर हमने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पर एक होम थिएटर बनाएंगे। तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इस पार्ट में हम लोग नीचे वाला कंप्लीट कर देते हैं, और जो ऊपर का पार्ट है और बाहर का जो एरिया है, मैं उसको भी अपने जो अपना मेन घर है, मैंने वो घर बेच दिया क्या रखा है, मैं भूल चुका हूँ। हमारा सिटी के अंदर एक घर था ना जिसमें हमने स्विमिंग पूल रखा हुआ था, मेरे को देखना पड़ेगा, शायद मैंने बेच दिया या फिर है। वैसे उसमें हमने एक अच्छा गार्डन, एक जिम एरिया वो सब बनाया था। यहाँ पर भी वैसे ही लॉन का एरिया काफ़ी ओपन है, तो हम पार्क, थोड़े बहुत प्लांट्स लगा सकते हैं वहाँ पर, और एक स्विमिंग पूल बना देंगे तो काफ़ी सही हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर गाइस, सबसे पहले ये वाला एरिया अपने को करना है। तो यहाँ पर मैंने ये वुडन का फ्लोर तो लगा दिया था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर मैंने पेंट भी कर दिया था, तो पेंट को एक बार अंदर करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और ये वाला काफ़ी सही लग रहा है, ये थोड़ा एक एंटीक सा पीस है, तो थोड़ा सा देखते हैं उस हिसाब से करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो फर्नीचर लगाया जाए वो भी थोड़ा सा वैसा लगाते हैं हम लोग, थोड़ा ओल्ड स्कूल वाला, थोड़ा सा एकदम एंटीक वाला लगाएंगे तो बढ़िया लगेगा। बाकी तो यहाँ पर और कुछ डेकोरेशन की भी ज़रूरत है नहीं, खाली अपने को बस यहाँ पर एक टेबल चेयर और वो एक टीवी लगाना है, सो दैट थोड़ा सा वो हो जाए। तो मेरे को यहाँ पर पहले जाना पड़ेगा फर्नीचर के अंदर। ओके, नीचे वाले सारे फैंसी टेबल्स हैं तो वो हम नहीं लगाएंगे, मेरे को एक टेबल जो पसंद आया ये वाला टेबल ही लेते हैं और इसको एक बार लगा के देखते हैं। ओके, इसकी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है जो अपने को होनी चाहिए, इसको बस थोड़ा सेंटर में लगाना चाहता हूँ, या फिर हम थोड़ा इस तरफ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कारपेट को सेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो टेबल हमने लगा दिया है बिल्कुल परफेक्ट, और अब हमने को चाहिए इसी के जैसी चेयर्स, और काफ़ी सही लगेगा मेरे को, बस इसके जैसी चेयर मिल जाए ना एक बार। ये वाली चेयर काफ़ी सही लग रही है, ओके, और ये मैच भी कर रही है। तो मैं कितनी चेयर्स लगाऊँ यहाँ पर, देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया सेट हो चुका है। ओके, बिल्कुल ओल्ड स्कूल वाइब है यहाँ पर, और अपने को अब चाहिए, अरे मैं सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ गया भाई। ओके, अब अपने को यहाँ पर एक टीवी सेट करना है, और उसके अलावा थोड़ा सा एक यहाँ पर एक फ्रूट्स की टोकरी रख देते हैं कुछ, एकदम ऐसा खाली भी नॉलेज होना चाहिए ना। आई डोंट थिंक यहाँ पर फ्रूट्स से रिलेटेड कुछ है, फ्रूट का ये है। ओके, ये स्मॉल साइज में लगा सकते हैं हम लोग ऐसे, अगर कहीं पर जगह होगी तो। ओके, ये वॉल खाली है, इस वॉल पे ये लगा देते हैं, और ये सही लग रहा है ना, बढ़िया फील आ रही है, नॉट अ बैड पिक्चर्स। ओके, अब हमें यहाँ पर लगाना है एक टीवी, तो मैं माउंटेड टीवी लगाना चाहता हूँ, और टीवी ये वाला साइज़ आई थिंक आ जाएगा, यस ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, इसको ऑन कर देते हैं और इस पर हाउस स्लीपर का ही चला देते हैं अपना, इसमें ऑप्शन होता ना अगर यूट्यूब वगैरह का, तो अपन अपना चैनल ही सर्च करके इस पर लगाते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं गाइस, डेकोरेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, ये वाला कैसा लगेगा वैसे, इसको मैं रख सकता हूँ एक इस तरफ रख देते हैं, इसको थोड़ा रोटेट करके इस तरफ रख देते हैं। तो हमारा डाइनिंग एरिया हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कुछ करना है, और मैं सोच रहा हूँ कि हमें ये दरवाजे चेंज कर रहे हैं जो कि काफ़ी यार अलग लग रहे हैं मेरे को। पहले तो एक मेन डोर लगाना पड़ेगा, काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं ये दरवाजे, ऑलमोस्ट मेरे को बहुत पुराने ज़माने के लग रहे हैं, तो हम इसको सेल करते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है, ये डोर उड़ गया, पूरी दीवार बंद हो गई और मैं बाहर रह चुका हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे अंदर। तो कुछ अलग दरवाजा लगाते हैं इस बार, और दरवाज़ा देखते हैं, ये तो और पुराना लग रहा है भाई। आई थिंक वी शुड बाई दिस वन, और इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हुई ना कुछ बात, हाँ ये दरवाज़ा सही लग रहा है बिल्कुल। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि देखो हमारी घर की जो जोड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी डार्क हैं, तो ब्लैक जोड़ी के साथ ही, या फिर हम लोग ब्लैक डोर भी लगा सकते हैं। तो काम करते हैं, ये सारे जो दरवाजे हैं ना इनको हम ब्लैक डोर वाले लगाते हैं, तो हमारे इस पूरे घर की जोड़ियाँ दरवाजे सब सेम हो चुका है, अब वो थोड़ी सी अच्छे लग रहे हैं देखने में। ठीक है, तो हमारा ये वाला एरिया भी गाइज हो चुका है, डाइनिंग एरिया भी हमने कर दिया है, और मैं सोच रहा था ये वाली जो जगह है हमारा एक्चुअली एक चीज़ की कमी है, जो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर हम लोग अगर इसको हटा के अगर एक फ़िश टैंक रख दिया तो कैसा लगेगा वो, आई थिंक काफ़ी बढ़िया लग सकता है यहाँ पर। मैं ज़रा देखता हूँ, ये वाला एक्वेरियम काफ़ी सही लग रहा है, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, आई थिंक ये वाला इसके ऊपर फिट आ जाएगा, या फिर आई थिंक इससे बड़ा भी ले सकते हैं हम लोग, इससे बड़ा वाला भी इसके ऊपर आ ही जाना चाहिए, सीधा है ना, यस सीधा है, तो इसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं और इसकी लाइट ऑन कर देते हैं। देखो गाइस,
सही लग रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि ये जगह वैसे भी काफी खाली थी और ये बिल्कुल अभी सही हो चुका है। ठीक है, अब हम गाइस चलते हैं ये वाले एरिया में पहले। और मैं सोच रहा था कि हम यहाँ पर जो चीज़ चेंज करने वाले थे पहले, तो ये मेरे को हटाने दो, ये गंदा लग रहा है यहाँ पर। अपने को एक तो यहाँ पर पहले पेंट करना है, और पेंट करने के साथ में हमें एक को बनाना है, या तो दोनों को कंबाइन करके अगर एक पूरा ये बना दें यार, पूरा अगर गराज का ये बना सकते हैं क्या पूरा इसको? मैं एक मिनट, इसकी वॉल तोड़ सकता हूँ ना, तो अपन पूरा ही इसको गराज बना देते हैं। मेरे को जरूरत समझ नहीं आ रही यहाँ पर, ये यह ऐसा अलग सा क्यों है, इसको पूरा कंबाइन हो जाना चाहिए। और इधर से यहाँ पर हमारे पास इनफ चीज़, इनफ जगह है वैसे भी, है ना? या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, इसको बेडरूम बना सकते हैं हमारे पास, फिर नीचे 2 BHK हो जाएगा, मतलब 2 बेडरूम हो जाएंगे। और इस वाले को मैं फिर एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस पीछे वाले को वैसे भी ये गेम रूम अपन इसको अपन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं फटाफट पहले, तो ये वैसे भी हमारा गेमिंग एक मतलब एक चिलिंग वाला जोन है ना वैसे भी हमें यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं इसको ऊपर रखते हैं। ऐसे भी हम लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं ना ये वाली जगह, तो एंटरटेनमेंट वाला पूरा सिस्टम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और जो नीचे का जो है उसको हम एक बेडरूम बनाते हैं थोड़ा ओपन बढ़िया सा, और इसको अपन कंबाइन कर देंगे इसके साथ में। तो ये शायद, ये तो वैसे भी हमारे गैराज के साथ कनेक्टेड है यार, गैराज के साथ तो ये नहीं सही लगेगा। मेरे ख्याल से हमें इसको पूरा लंबा कर देना चाहिए, और ये बाथरूम हटा के इधर से, इसकी अगर मैं दीवार तोड़ दूँ, इससे नीचे अपने को बाथरूम एक है, और वो वाला बाथरूम हमारे बेडरूम से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको कनेक्टेड कर सकता हूँ हमारे, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से ये सब हटा दूँ। ओके, मेरे को अब इस रूम की थोड़ी वाइब चेक करने दो, ये कितना बड़ा है, इसको कनेक्टेड बाथरूम तो चाहिए, तो ये सही भी हो जाएगा। बट ठीक है, इतना एक थोड़ा मास्टर बेडरूम हो जाएगा जिसमें कि कनेक्टेड एक बाथरूम है एटलीस्ट, है ना? फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। वैसे तो इसमें भी बाथरूम एक तरह से कनेक्टेड है, 3 BHK बन सकता है अगर बनाना चाहें हम तो। और इसको पूरा बंद करके फिर गराज का पूरा बाहर से रास्ता हो जाएगा ना, इधर से एक रास्ता और ये इस साइड से, ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, मगर ये बहुत छोटा हो जाएगा उस चीज़ के लिए। मेरे को ये हटाने दो पहले। ओके, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं, हमने कर दिया ये सब पूरी जगह। ये पता नहीं क्या बना हो यार, ये भट्टी बनी हुई है, इसको हटा देते हैं, भट्टी की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, लेट मी चेक, यहाँ पर एक दरवाज़ा रह गया, मैं पहले यहाँ पर दरवाज़ा लगा दूँगा एक, इनकेस अगर हटाना होगा तो दरवाज़ा हटा देंगे। बट मैं सोच रहा था ये चीज़ के इसका क्या किया जा सकता है। ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ सोच लिया है कि 3 बेडरूम तो क्या ही करने हैं, 2 बेडरूम ठीक है, अपन एक काम कर सकते हैं, इसको बेडरूम बना के पूरा मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम इन द सेंस के साथ में इसके एक ये ऐड हो जाएगा बाथरूम। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, जो इस साइड वाला रूम है, दो प्लान थे मेरे दिमाग में, एक तो मैं पूरा ये वाली बीच की दीवार तोड़ दूँ और पूरा एक बड़ा सा बेडरूम बना के एक बड़ा सा आलिशान सा बाथरूम हो दूँ, कर दूँ ऐड, बट वो फिर बहुत ही बड़ा रूम हो जाएगा यार, इतना बड़ा रूम तो क्या ही करना है। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया क्या आया कि मैं ये दीवार को तोड़ दूँ सिर्फ, और ये रूम एक बड़ा हो जाएगा, इसको दो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास, एक तो मैं इसको बना सकता हूँ स्टडी प्लस म्यूजिकल रूम, या फिर कुछ भी ऐसा ही, मतलब एक स्टडी रूम या फिर ऑफिस काइंड ऑफ बना के, है ना, और ये पूरा एक अच्छा हो जाएगा बड़ा वाला, और इस वाले को हम लोग वही मास्टर बेडरूम रखते हैं। तो आप लोग मुझे बता दो इसको मैं क्या करूँ, इसको एक स्टडी रूम बनाया जाए, या फिर इन दोनों को अलग अलग रखे, पीछे वाले को एक स्टोर रूम में रहने दूँ ये वाला, आप लोग मुझे ये चीज़ कमेंट में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें कर सकूँ ये चीज़ को। तो ये वाला तो इधर से कनेक्टेड है ना, क्योंकि, और मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इसको बेडरूम बना देता हूँ मास्टर बेडरूम, और इसके साथ में ये वाला जो बाथरूम है ये काफ़ी सही लगेगा, इसको हम जब रेनोवेट कर देंगे, तो ये इसको पहले लाइट ऑन कर देते हैं भाई, ठीक है। इसके वैसे टाइलिंग वाइलिंग सब चेंज करना पड़ेगा, ये काफ़ी रद्दी से ही लग रहा है, ये एक चीज़ ठीक लग रही है, टॉवल रेडिएटर लगा हुआ है जो, बाकी हमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ये बहुत गंदा लग रहा है यार, इसमें लाइट है क्या कुछ? ओके, लाइट तो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ फटाफट, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ काम करना, आप लोग मुझे कॉमेंट करके ये बता दो इसका मैं क्या करूँ, इसको स्टडी रूम बनाऊँ, ऑफिस बनाऊँ, और इसको साथ में कंबाइन कर दूँ, मतलब पूरे को एक ही बना के अच्छे से कर दूँ, या फिर पीछे वाले को स्टोर रूम रहने दूँ और इसको एक छोटा सा ऑफिस और वो बना दूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बता दो। कुछ और आइडिया दिमाग में आ रहा है तो वो भी बता सकते हो, मैं वो भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और फिर गैराज जो है, गैराज में सिर्फ अपने को पेंट करना पड़ेगा, बाकी तो सब सही है। और यहाँ पर बाय करके कुछ चीज़ें मैं इंस्ट्रूमेंट रख दूंगा, यहाँ पर गाड़ी बाय करके लगा दूंगा, एक कार बाय करनी है, कार भी बता दो कौन सी बाय करें,
आपकी फेवरेट कार जो भी BMW लेम्बरगिनी कौन सी चाहिए मुझे वो बता देना, मैं बाय करके इसी गैराज में खड़ी कर दूंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ बेडरूम के अंदर और बेडरूम को करते हैं पहले रेनोवेट। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो वॉल सारी हो चुकी है, अब मुझे एक पेंट बाय करना है, जो कि जैसे हमने उस वाले बाथरूम सॉरी जैसे हमने उस वाले बेडरूम में किया है, एक वॉल थोड़ी अलग तो काफ़ी सही लगती है। वैसे तो यार वैसे हमने काफ़ी टाइम से ना बेडरूम के अंदर हमने कुछ अलग कारागिरी नहीं करी है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ वॉलपेपर ट्राई किया जाए यार बेडरूम के अंदर। ओके, ये भी सही लग सकता है, ये यार बहुत सही लग रहा है ये मुझे। ठीक है, मैं इसकी 3 बाय कर लेता हूँ। ये वाला मे भी उतना अच्छा नहीं लगा, ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ये वाला ट्राई कर सकते हैं हम लोग एक बार के लिए। तो मैं इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है ये। ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अगर पूरे बेडरूम में यही कर दें तो ये बहुत बढ़िया लगेगा पूरे बेडरूम में। हमने व्हाइट पेंट करके तो टाइम वेस्ट किया आई थिंक। और ये हमने लगा दी लास्ट की जो हमारे वॉलपेपर थे, सारे वॉलपेपर लग चुके हैं, इनको हटा देता हूँ मैं, ये सब हटा देता हूँ अभी। ओके, तो काफ़ी सही लग रहा है हमारा बेडरूम यार इसी के साथ। हाँ काफ़ी सही लुक आ रही है बेडरूम की। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर चीज़ें डेकोरेट करता हूँ। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर लगानी है एक, सबसे पहले फ्लोर लगाना पड़ेगा, तो फ्लोर में हम वही वाला फ्लोर लेते हैं यार जो अपना है, फ्लोर एंड सीलिंग टाइल्स नॉट पैनल्स। हाँ ये एक चीज़ ट्राई कर देखते हैं, थोड़ा अलग डिज़ाइन लग रहा है। ओके हाँ लग तो बढ़िया रहा है ये, क्योंकि फ्लोर थोड़ा अलग, ऊपर का अलग, और ये हमारे इसके साथ भी मैच कर रहा है। इसको बंद करते हैं एक बार। तुम्हारी जोड़ियों के साथ भी मैच कर रहा है ये, सही लग रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले बेड लगाने की बारी है, तो ये हमने लकड़ी वाला बेड अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो एक बार ये वाला बेड लगाते हैं यहाँ पर हम। ये बेड हमारे घर की रूम बेडरूम की जो वाइब है उसके साथ मैच कर रहा है, तो ये सही है। अब मैं इसके साथ दो जरा बेडरूम के बेड बेड साइड्स लगा देता हूँ, तो हमारा बेडरूम अभी देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी तक के लिए तो। और इसके ऊपर मुझे थोड़े से लैम्प यार अगर उसी टाइप के मिल जाए ना तो ये सही लगेगा। ओके, टेबल लैम्प्स ये वाला लगा सकते हैं हम लोग, ये काफ़ी सही लगेगा। हाँ ये सही लग रहा है, एक्चुअली ये लकड़ी का ही बना हुआ लग रहा है ना इसीलिए। हाँ ठीक है, अब बस मुझे एक यहाँ पर एक बढ़िया सी पेंटिंग मिल जाए ना यार। ओके, ये पेंटिंग काफ़ी सही लग रही है। हाँ इसने हमारे पूरे बेडरूम की वाइब सेट कर दी है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारा बेडरूम तो हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। मेरे को यहाँ पर एक, मैं सोच रहा था कि कारपेट बिछा दूँ मगर ज़रूरत नहीं लग रही, मैं यहाँ पर एक रेडिएटर सेट कर देता हूँ। प्लम्बिंग सिस्टम है हमारे पास, रेडिएटर सिर्फ लगाना है, तो एक ये वाला रेडिएटर इसके बिल्कुल सेंटर में इसको असेंबल कर देता हूँ। ठीक, ओके, रेडिएटर हो चुका है। अब बस थोड़े से डेकोरेशन थोड़ी सी और यहाँ पर कमी है, जो कि एक तो हम लगा सकते हैं। ओके, तो बेडरूम हमारा सेट है गाइस, बिल्कुल सही हो चुका है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब बस बारी है हमें बाथरूम की, तो बाथरूम का भी हम थोड़ा सा वैसे रखते हैं गाइस, क्योंकि थोड़ा जैसे हमने वॉल्स उसकी रखी है वैसे ही थोड़ा सा इसमें भी कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर बार हम लोग पूरा वाइट के साथ ही जाते हैं, तो वो चीज़ भी उतनी आई थिंक तुम लोग भी बोर हो जाओगे वही सेम चीज़ देख के यार। मैं हर घर में वाइट ही कर देता हूँ, पूरा बाथरूम भी वाइट कर दिया, बेडरूम भी वाइट कर दिया, तो वो चीज़ बोर कर देती है एक हद तक। तो कुछ अलग करते रहेंगे हम लोग, इसमें कुछ अलग करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अगर वॉल्स में जाएँ और वॉल टाइल्स में हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। लेट्स गो विद दिस वन। ठीक है, मैं वॉल्स पे तो ये करने वाला हूँ, ये मेरे पास बच गया क्या, तो मैं सेल कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, अब बारी है इनको लगाने की। एक चीज़ कर सकते हैं हम, एक वॉल पे ये रखते हैं, बाकी 3 पे कुछ अलग करते हैं। इनको मैं हटाता हूँ, एक वॉल पे ये वाला रखते हैं और बाकी 3 वॉल्स पे कुछ अलग करते हैं, थोड़ा सा मैचिंग हो बट थोड़ा अलग। ये ट्राई करके देखते हैं, ये कुछ अलग लग रही है मुझे। आई थिंक अब एक ही बाई करूँगा इसको। ये थोड़ी मैच भी कर रही है गाइस, हाँ ये थोड़ी मैच कर रही है, ये ठीक है। मेरे एक कमर तो इसको सील करता हूँ और इसके जैसी मंगा लेता हूँ। और अपन बाकी के बाथरूम में ये वाली लगा देते हैं, आई थिंक इतने में हो जाना चाहिए। और ये हमने लगा दी हमारी लास्ट वॉल, तो गाइस हमारी वॉल्स हो चुके हैं कंप्लीट।
इनको मैं ये हटाता हूँ यहाँ से। अब हमारा बारी जो है वो है फ्लोर लगाने की। ओके, तो बाथरूम की वाइब सही आ रही है अभी तक तो, मुझे बढ़िया लग रहा है बाथरूम हमारा। ठीक है, इसको अनस्क्रू करना पड़ेगा, मैं बेचना दूँ इसको, पहले अनस्क्रू कर देते हैं। ये हो नहीं रहा अनस्क्रू भाई, ये है क्या चीज़, ये उल्टा लगा हुआ है क्या? आई थिंक ये बाथरूम का है और ये उल्टा लगा हुआ है, इसको यहाँ पर होना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हमें पहले फ्लोर चेंज करना है, तो फ्लोर के हम टाइल ही लगाएंगे, ये टाइल्स। बट हम इसको बाथरूम के बेडरूम के साथ नहीं देखते, हम इसको इसके साथ ही देखते हैं। एक तो हम इसके साथ जा सकते हैं, मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये हमारे वॉल के साथ मैचिंग है। ओके, और ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है चादर बिछा दी दीवार से टांग के सीधी नीचे तक। ओके मे बी, ओके ये क्या हो गया। ओके गाइस, तो ये कलर मुझे सही लग रहा है, हम ये वाला कर देते हैं फ्लोर में। ओके यस, ये ठीक लग रहा है, चलो हमारा फ्लोर भी हो गया। सीलिंग का ठीक है, ये कलर ठीक है, और अब हम करते हैं यहाँ पर चीज़ें फिट। ओके, हम अगर यहाँ से सीधा अंदर आएंगे तो मेरे को यहाँ पर सामने क्या चाहिए? ये क्या चीज़ है भाई? आई थिंक यहाँ पर हमारा शावर आ जाएगा, हम यहाँ पर शावर माउंट कर देते हैं। बिल्कुल सामने आएंगे तो यहाँ पर यार ये क्या चीज़ है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं, फिगर आउट कर लेंगे उस चीज़ को। हमें यहाँ पर एक टॉयलेट लगाना है, एक हैंड वॉश का लगाना और एक शावर लगाना है, तीन चीज़ें यहाँ पर चाहिए अपने को। तो पहले तो मैं यहाँ पर शावर फिट करता हूँ। ओके, यहाँ पर टॉयलेट का है, टॉयलेट अगर इस कोने में रहेगा और इसके सामने शावर रहेगा, ये तो चीज़ काम नहीं करेगी एकदम। एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल सामने यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ सिंक, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पर एक सिंक पहले देखता हूँ। एक मिनट, मेरे को बाथरूम फिक्सर में जाकर सिंक देखने हैं। तो अपने यहाँ पर थोड़ा वैसा वाला चाहिए कि हमारे घर की वाइब से मैच करें, है ना, एकदम फैंसी वाला भी नहीं चाहिए। ओके, ये बाकी चेंज करके देखें, मैंने कलर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम वाइट लगाते हैं और इसको मैं असेंबल कर देता हूँ। और ये हमने लगा दिए इसके दरवाजे, और ये हो गया हमारा सिंक फिट एकदम। ओके बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा टॉवल रेडिएटर लगा हुआ है, अब मुझे यहाँ पर एक शावर लगाना है, तो शावर हम इससे लगाएंगे। और टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम में ये वाला चीज़ लगा देते हैं, ये काफ़ी परफेक्ट चीज़ अपनी। ओके, ये हमारा हो गया सोना रूम के साथ एक शावर फिट एकदम परफेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ उस तरफ, क्योंकि उन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर ही अपना काम पूरा फिट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर इसको भी हटाना है, ये भी पता नहीं क्या लगा हुआ, ये नीचे शायद गलत फिट कर दिया है इनके कारीगर ने। मेरे को बस यहाँ पर क्या है, सामने की तरफ चाहिए एक टॉयलेट सीट, और टॉयलेट सीट के जस्ट सामने मैं यहाँ पर कुछ जो टावर रेडिएटर था वो यहाँ पर लगा देता हूँ। तो बाथ एंड शावर में नहीं, टॉयलेट, टॉयलेट सीट। ओके, सस्पेंडेड टॉयलेट लगाते हैं यहाँ पर हम लोग, बट उसके लिए वो उसका पहले प्लम्बिंग सिस्टम चाहिए होगा ना, तो प्लम्बिंग सिस्टम कहाँ गया इसका? ये रहा टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम। यार या तो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि ये टॉयलेट सीट जो है वो थोड़ा हाइड करके लगा रहा है इस तरफ, आई थिंक वो सही रहेगा, थोड़ा साइड में ना। अभी हम पर अपने को लगाना है एक टॉयलेट सीट, तो यहाँ पर हमारा ये टॉयलेट सीट कर देते हैं फिक्स, ये ठीक हो गया ना, क्योंकि वो फिर समझ लो बात को थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर फिर मुझे वो हटाना नहीं चाहिए था यार, ये तो यहाँ पर ठीक था, वो मैंने हटा दिया ऐसे ही। टॉवल रेडिएटर प्लम्बिंग सिस्टम, यस, तो मैं इसको कर देता हूँ, बात यहाँ पर फिट कर देता हूँ, और इसका एक ओके, तो हमारा टॉवल प्लम्बिंग सिस्टम भी हो चुका है। और बस एक चीज, एक दो चीज़ की कमी है यहाँ पर, वो पता क्या, एक तो यहाँ पर इसका ये टॉयलेट वाला वो चाहिए। तो बाथरूम फिक्सर्स एक्सेसरीज में, बाथरूम में है यहाँ पर चीज़ें जो अपने को चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक तो काम करता हूँ, पहले ये वाला जो है इसको मैं लगा देता हूँ ये जगह पर, क्योंकि वो बहुत ही खाली हो चुका है वहाँ पर। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे भी हमने यहाँ पर एक मिरर नहीं लगाया, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली वॉल के ऊपर हमने एक बड़ा मिरर लगा दें, तो पूरी वॉल पे मिरर कैसा लगेगा, है ना, सही चीज़। बंदे ने यहाँ से हाथ मुंह धोया और इधर पूरा सेट हो गया काम, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये तो सही है।
उसके अलावा अब बस यहाँ पर अपने को एक टॉयलेट के लिए वो लगाना था, वो उसके हो गया होगा, वो अपने को मिलेगा बाथरूम में। अगर ऐसा होता कि खुद के लिए है तो फिर बात अलग थी। ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके जी, परफेक्ट हो गया। थोड़ी सी यहाँ पर डेकोरेशन की कमी लग रही है मुझे, तो चलो ये हो गया सोप वाला। और बाकी साबुन वगैरह तो वो सब अपने उसमें है, वो सब यहाँ पर अपने को नहीं रखने की ज़रूरत है। बाकी आई थिंक ठीक है, बाथरूम का तो बाकी सब कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। बाथरूम के अंदर तो और कुछ भी नहीं आना चाहिए। बाकी ठीक है, बाथरूम हमारा हो चुका है और बाथरूम का हमारा प्लम्बिंग सिस्टम भी लग चुका है और लाइट भी बाथरूम की ठीक है, ये वाली इतनी रोशनी ठीक है। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमने हमारा बेडरूम प्लस बाथरूम कर दिया है। बाथरूम और पूरा ये मास्टर बेडरूम हमारा हो चुका है रेडी, और इसी के साथ हमारा डाइनिंग एरिया, और हमने पूरे घर के दरवाजे भी चेंज कर दिए हैं। तो मेरे को ये यहाँ से चुभ रहा है, इसको मुझे हटाना है यहाँ पर। ओके, तो किचन का हमारा बचा हुआ है, किचन का जो हमें स्टोव वगैरह और वो सब लगाना था, तो मैं जाता हूँ जरा। ओके, तो गाइज हमारा यहाँ पर किचन का सेट पूरा हो चुका है, किचन में जो जो चीज़ों की कमी थी वो हमने लगा दी है। अब नेक्स्ट जो है हमें ये वाला रूम करना है, और हमारा जो एक बाजू वाला गराज, एक ये वाला एक रूम है, इसको भी यार वैसे तो ये भी हम एक ऑफिस काइंड ऑफ बना ही सकते हैं, या फिर इसको भी बेडरूम बना सकते हैं हम लोग, इसको भी एक बेडरूम बना सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम नहीं रहेगा, और अगर हम इसको ऑफिस बनाते हैं तो फिर हमें वो बेडरूम बनाना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऊपर वाला तो हमें करना ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो चीज़ को करेंगे। ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है गाइस, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को रैप अप करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ये रहा सब्सक्राइब वाला बटन, बिल्कुल नीचे देखो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।